أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج کا درس سورہ القارعہ سے شروع ہوتا ہے، تیسواں پارا سورۃ 101. جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کریم کی ان آخری سورتوں میں وہ ٹکراؤ، وہ تصادم، وہ تضاہم جو پہلے کچھ خفیف سے انداز سے چلا آ رہا تھا، انتہائی شدت اختیار کرتا چلا گیا. اور ان صورتوں میں یہ بتایا کہ حق و باطل کی یہ کشمکش اب اس انتہا تک پہنچ رہی ہے کہ جہاں باہمی ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا ہے، اور یہی وہ ٹکراؤ ہے کہ جس کے بعد حق اس طرح سے غالب آئے گا کہ اس کے بعد وہ انقلابی معاشرہ قائم ہو جائے گا جس کی اقامت کے لیے یہ ساری جد و جہد جاری تھی. اسی سلسلے میں ابتدا اس کی ہوئی ہے القارعہ، تو مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ. قارعہ یہ دو چیزوں کے ٹکرانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر مارنے کے لیے. اور مارنا اس انداز سے جیسے چکماک پر پتھر مارا جائے اور اس میں سے شعلہ نکلے. پھر جو اس ٹکراؤ سے تباہی آتی ہے، اس کے لیے عرب اس لفظ کو بولتے تھے اس وقت جب کسی کھیت کو جانور اس طرح سے چر جائے کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے. یہ ایک دوسرے کے اوپر کسی شے کو مار کے اس میں سے ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا، یہ تھی اس تصادم کی آخری شکل. ضمناً یہی لفظ ہے قاف رے عین، یہ آپ کو پتا ہے یہ قرہ اندازی جو آپ کے یہاں ہوتی ہے، یہ آئے دن لاٹری نکالی جاتی ہے، قرہ ڈال لیتے ہیں، وہ یہی لفظ ہے. یہ اصل میں یہ جو پانسے ہوتے تھے تو ان کو جب پھینکتے تھے تو وہ ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے، اس کی وجہ سے اسے قرہ کہتے تھے. قرہ اندازی ان معنی میں تو قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا، اس کے لیے ازلام کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ عرب عام طور پر پانسوں کی بجائے تیروں سے فال لیا کرتے تھے، استخارے نکالا کرتے تھے، قرے ڈالا کرتے تھے. تو زمدن بات یاد آ گئی کہ ہمارے ہاں جوئے کے متعلق تو کہا جاتا ہے بڑے زور شور سے کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں فال لینا،
कुर्रे डालना, लाटरियां निकालना, इस्तखारे करना, इन्हें न सिर्फ ये कि नाजायज नहीं कहा जाता बल्कि इन्हें तो बाद मकामात पर बड़ा दीनदारी की इनामत करार दिया जाता है कि वो आज खुद फैसले नहीं करता, इस्तखारे से फैसला करता है। ये क्या चीज है? कोई मामला आपके सामने पेश हो, कुरान कहता है कि अपने फिक्र से उस पर गौर कीजिए, फैसला करने के लिए जरूरी मालूमात वहां पहुंचाइए, उसके दोनों पदड़ों को देखिए कौन सा दिखता है, फिर इस गौर व फिक्र के बाद, फिक्र तदब्बुर के बाद, तमाम हालात को सामने रखने के बाद एक फैसला लीजिए, उस फैसले पर अमल कीजिए। अगर इसमें कभी कोई नुकसान का पहलू सामने आता है तो खड़े होकर सोचिए कि आपके फैसले में कहां गलती हुई, फिर उस गलती की इसलाह कीजिए, फिर एक और फैसला लीजिए। ये है वो अंदाज़े तफक्कुर और फैसला करने का तरीका जो कुरान ने तजवीज किया है। लेकिन अक्ल व फिक्र के तमाम दियों को गुल करके तरीकियों में इस तरह से टामक टोहियां मारना, चांस के हवाले करना, ये चीज तो कुरान की रूह से कभी जायज नहीं हो सकती। उसने अगर अजलाम के मुतल्लिक कहा है तो वो इसलिए कि अरबों के यहां फायदा ही यह था कि वो तीरों से फाले लिया करते थे, इस्तखारे निकाला करते थे। लेकिन उसकी शक्ल कोई भी क्यों ना हो, बात तो ये है कि आप इंसान होने के बाद चांसेस के ऊपर अपने फैसले लेते हैं, जिसमें अक्ल व फिक्र को कोई किसी किस्म का ताल्लुक ना हो। कितनी गिरी हुई बात है ये। यानी जीए का तर्जमा गेम ऑफ चांस किया जाता है अंग्रेजी में, तो गया उसमें जो मौजूद चीज है वो इतनी है ना कि तुम चांस के हवाले कर देते हो अपनी तकदीरें, अपने हाथों से अपनी तकदीरें क्यों नहीं बनाते, खुद फैसले क्यों नहीं करते। लेकिन गेम ऑफ चांस जो है वो जीए की सिर्फ एक शक्ल के लिए तो हमारे यहां मुतय्यन हो गई और शरीयत ने उसे नाजायज करार दे दिया। लेकिन ये चांसेस की बाकी जितनी शक्लें हैं इन्हें कोई नाजायज करार नहीं देता। यही नहीं कि नाजायज करार नहीं दिया जाता, बल्कि हमारी बदबख्ती है, यहीं से तो हमारी बदकिस्मती शुरू होती है कि इन चीजों की ताईद में कोई ना कोई रवायत आ जाती है। चुनाचे एक रवायत ये है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफर में अज़वाज मुतहरात में से जिन्हें साथ ले जाना होता था कुर्रा डालकर उसका फैसला किया करते थे। वो ज़ात अक़दस व आज़म जो दुनिया को फिक्र और तदब्बुर की तालीम देने के लिए आई थी, वो अपने फैसले इस तरह से कुर्रों से कभी नहीं किया करती। ये जो तरीक में इस किस्म का हो, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं जिसे आप अजलाम कहते हैं, जिसे आप युवा कहते हैं, जिसे आप खुद फैसला करने की बजाय चांस पे छोड़ देते हैं, और फिर इसके बाद तो फाल लेने के लिए बड़े बड़े मुकद्दस तरीके हैं, वो बयान आफिसाब से जो फाल ली जाती है, सिखा दे कार मुंडा जानता ना थे, जानने ने ग्रंथी खोल दी ना की रखी है, वो गुरु ग्रंथ साहब न खोल दिया उत्थे पहली सतह का पहला लफज का पहला अरब जोड़ा हों, वो कहना जी ए ना रखो तुसी, यानी उस हरफ के नाल शुरू हो गए, फिर वो लभते रहने की हो गए, फिर वो
दाल है या लफ्ज आया हमदा फिर वो धरती तो केल सिंह नारा देने लगा। रखना ही ये पड़ता है इसलिए कि वहां से तो फाइल ली है। अब आपके यहां भी जब अहम मामला सामने आते हैं तो फिर फाइलें ली जाती। बात जिन्हन आ गई थी लफ्ज कुरआ से, अल कारिया तो मल कारिया तो वमादरा का मल कारिया, ये आने वाला टकराव कितनी अजीब चीज होगी। ये आने वाला टकराव आप जानते हैं, ये दूसरी दफा मल कारिया हो क्या कि क्या बात कह दी। और तुम्हें खुदा के सवा कौन बताएगा कि ये अल कारिया इसका अंजाम क्या होगा, ये क्या है। यौम यकून الناس कल फराश المبثوث وتكون الجبال कल عهن المنفوش। ये मुखालफत करने वाली जमात उसमें कुछ तो आवाम है और कुछ उनके खास उनके सरदार हैं। पुराने करीम आम तौर पर मासिस के लिए ये लफ्ज अन्नास इस्तेमाल करता है और इनके यहां के बड़े बड़े लीडर जो पहाड़ों की तरह अपने आप को मुहकम समझते हैं उनके लिए जबाल का लफ्ज आता है। ये लफ्ज इससे पेशतर आ चुका है कई एक सूरतों में, कई एक आयात में, और इसकी तशरीह मैं मुतअद्दद मुकामात पर कर चुका हूं कि इस टकराव के बाद कैफियत ये होगी। आवाम की कैफियत कितनी तस्बीह तामा है। बरसात की रात में रात भर बिजली का लैंप जला रहे बाहर, उसके गिर्द जो परवानों का झुरमट होता है वो आपने देखा होगा। इतनी तेज हरकत होती है उनमें, एक दायरा बंधा हुआ होता है, हरकतें मुसलसल, एक रक्से तहम। लेकिन सुबह उठ के देखिए तो उस लैंप के नीचे इन बिखरे हुए परवानों का ढेर होता है। वो सारी हरकत मुबद्दल बसुकून होती है, जिंदगी का निशान तक मौजूद नहीं होता। ये जो परवाने इस तरह से बिखर जाते हैं, ये इस तेजी से झुरमुट करके आने वाले और इस परिमुर्दगी और फुर्दगी से गिर जाने वाले, इन्हें फराश मखसूस कहा जाता है। आवाम की कैफियत ये कि उसमें ये फराश मखसूस की तरह होंगे और ये जो बड़े बड़े सरदार इनके पहाड़ों की तरह अपने आप को मुहकम और मुस्तहकम समझ रहे हैं, उनकी कैफियत ये होगी। एहन मनफूश कहा गया है, एहन बुनियादी तौर पर दरख्त की उस शाख को कहते हैं कि जो खम खाकर टेढ़ी होकर टूट तो जाए लेकिन दरख्त से अलग ना भी हुई हो। ये शाखे बुरीदा या शिकस्ता शाख, बुरीदा तो नहीं, ये दरख्त के साथ ही लगी रहे लेकिन जो इस तरह से टूट जाए दरख्त से उसका क्या वास्ता रहता है। यूं ही देखने को वो नजर आता है कि उसका ताल्लुक उसके साथ बाकी है लेकिन दर हकीकत उसका ताल्लुक टूट चुका होता है। और इसके बाद ये लफ्ज इन लोगों ने इस्तेमाल किया, हर वो शय कि जो धुनी हुई रूई की तरह उड़ रही हो, रंगी हुई ऊन की तरह बिखर रही हो। इसमें टूटने और बिखरने का मफहूम इनके यहां होता था और ये मनफूश ये इस तरह का बिखरना है कि रात के वक्त बाड़े से भेड़ें और बकरियां इस तरह निकलकर बिखर जाएं कि चरवाहे को खबर ना हो,
ये इस तरह का बिखरना, ये आवारगी, ये इंतिशार, ये तशस्सुत, ये है इसके माने जिसमें कि ये बड़े बड़े खास जो इस वक्त अपने अपने मकाम पे इस तरह से जम के बैठे नजर आते हैं, इनकी कैफियत ये होगी कि ये सुनी हुई रुई के गालों की तरह खुदा में उड़ते दिखाई देंगे। क्योंकि जबाल कहा था, इसलिए दूसरी तरफ तस्वीर जो इनको दी है धुनी हुई रुई या ऊन के साथ दी, कि उधर उनकी सख्ती खराबत भी इतनी सुशिद्दत की थी पहाड़ की तरह, और दूसरी तरफ इनकी ये नरमी, इनके यहां की शिकस्त भी ऐसी है जैसे धुनी हुई रुई या ऊन हो, इनकी कैफियत ये हो जाएगी। लेकिन यहां तक तो सिर्फ तकरीब ही तक तकरीब नजर आई हमें, इनकी कैफियत ये हो जाएगी, तो क्या ये सारा इनकलाब, ये तसादुम इस तकरीब के लिए आएगा? कहा नहीं, ये तकरीब नहीं है, कानून मकाफात अमल का एक फितरी नतीजा है, और वो फितरी नतीजा ये है कि फअम्मा मन सकुलत मवाजीनहु फहुवा फी ईशति रादिया वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनहु फउम्मुहु हाविया। आम तर्जमा कि जिसका पलड़ा झुका हुआ होगा वो खुशगुवारी की जिंदगी बसर करेगा, जिसका पलड़ा हल्का होगा वो हाविया में होगा। ये बड़ा अजीम असूल है कुरान करीम का बिरादरान अजीज, ये पलड़ों का झुकना और उठना, मौत और हयात का दारो मदार इस पर है। ये तखरीब और तामीर की कश्मकश हर आन जारी है, जहां जिंदगी है वहां ये कश्मकश जारी है। ये हम जो हर वक्त जिंदा नजर आते हैं, हमारे अंदर भी ये कश्मकश हर आन जारी है, हर सांस में, हर सांस में सैकड़ों हजारों की तादाद में हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स बनते चले जाते हैं। तकरीब की कुव्वतें हजूम कर आती हैं, लेकिन अंदर एक कुव्वत रेजिस्टेंस की होती है, मुदाफियत की कुव्वत होती है, वो उनका मुकाबला करती चली जाती है। बीमारी उसे कहते हैं जब ये कुव्वत मुदाफियत का पलड़ा हल्का हो जाता है, उठ जाता है, और तकरीबी कुव्वत का पलड़ा भारी हो जाता है। इलाज इसे कहते हैं कि कुव्वत मुदाफियत को ज्यादा कर दिया जाता है ताकि ये पलड़ा भारी हो जाए और दूसरा पलड़ा हल्का हो जाए। और मौत उस वक्त आती है, उसे कहते हैं कि जब ये तकरीबी कुव्वतों का पलड़ा इतना झुक जाए कि फिर तमीरी कुव्वत या रेजिस्टेंस की पावर उसका मुकाबला न कर सके। इतनी सी कुव्वत तो मुर्दे में भी अभी बाकी होती है, लेकिन वो तकरीब का मुकाबला नहीं कर सकती। ये अजीम असूल कुरान की तालीम में ही आपको बिरादरान अजीम मिलेगा, कहीं और नजर नहीं आएगा। कुरान शायरी नहीं करता, तलिस्माती अफसून नहीं देता, जिंदगी के हकायक का मुकाबला करना सिखाता है। ये तभी दुनिया से आगे हट के इंसानों की दुनिया की तरफ आइए, इंसानों की दुनिया के अंदर उन लोगों को बुलंद मर्तबे पे मुकर्रबीन बारगाह इलाही समझा गया कि जिनकी मीजान में किसी किस्म की कोई गलती, कोई गुनाह ना हो, उनकी सलाह में जिसे गुनाह कहा जाता है। चुनाचे मासूमियत के मुतल्लिक बड़े जोर शोर से तसव्वुर दिया जाता है, जन्नत में जाने के मुतल्लिक यह तसव्वुर दिया जाता है कि वो लोग जिनके नामा आमाल में कोई गुनाह नहीं होगा वो तो सीधे चले जाएंगे,
और जिनके नामा अमाल में कुछ गुनाह होंगे उनको उन गुनाहों की पादाश भुगतने के लिए जहन्नम में भेजा जाएगा। कहीं कहा जाता है पादाश के लिए, सजा के लिए। कोई जरा ज्यादा मालूम बनते हैं तो वो कहते हैं कि साग जैसे धोबी भट्टी पे कपड़े को रख देता है ताकि उसकी नैल कुचैल कट जाए, इस तरह से वहां भट्टी चढ़ाए जाएंगे। लेकिन तस्वीर कोई भी हो, बुनियादी तस्वर यही होता है कि वो जन्नत में वही जाएंगे कि जिनके नामाए आमाल में कोई गुनाह की आलायश बाकी नहीं रही। ये फितरी तौर पे नामुमकिन सी चीज। शायरी की दुनिया के अंदर तो आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन जब इंसान को आप सामने रखेंगे तो इसमें तो लफ्ज़ का इम्कान है। कुरान करीम ने दूसरे मकाम पे मोमिन के मुतल्लिक ये कहा है कि वो कबायरुल इस्म से बचते हैं इल्लल लमम। ये जो बड़ी बड़ी तबाहकुन चीजें हैं, इस्म पीछे रखने वाली जिंदगी के इस रेस के अंदर, अफसुर्दा करने वाली, इसमें हलाल पैदा करने वाली, वीकनेस पैदा करने वाली बड़ी बड़ी कुव्वतें, वो उनसे बचते हैं। लेकिन ये जिंदगी की छोटी छोटी लफ्जशें, इनका इम्कान होता है, ये हो जाती। आप देखते हैं कि किस तरह से फैक्ट को फेस कर रहा है। वो इंसान को ये तस्वुर नहीं देता कि आज जरा सी कहीं लफ्जश तुमसे हुई और उस लफ्जश के लिए तुम जहन्नम में तो जरूर जाओगे। फिर एक तरफ ये तस्वुर दिया, जब देखा कि इस तस्वुर के मातहत तो मायूसी और खनूत आ जाता है इंसान के, बड़ा पैसिमिस्टिक जाविया निगाह हो जाता है, तो कहा नहीं नहीं घबराइए नहीं, फिर सुबह उठ के अगर एक तस्वीर सब रोजा भी फेर लिया कि ये तो मामला साफ हो जाता है। यानी खुद ही एक गलत तस्वुर क्रिएट किया, जब उस तस्वुर के मातहत देखा कि नतीजा तो इसका साथ बड़ा खतरनाक निकल रहा है, तब उसके बाद उसके अदाले की भी सूरत हुई। दुकानदार से कीमत पूछी, उसने कहा 100 रुपया, उसने कहा इतनी ज्यादा, कहने लगा हमारी छूट भी तो देखो कितनी होती है, तो 100-10 के जरा 11 रुपये से सौदा हो जाता हूं, यह चीज होंगी है। कुरान सेक्स से इसका कदर अदनान अजीब, अजीब किताब है ये, हकायक को सामने रखती है, इंसानों के मुतल्लिक वो गुफ्तगू करती है, फरिश्तों के मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं करती। वो कहता है कि मोमिन की कैफियत ये है कि घूमते फिरते इस किस्म के ख्यालात इसके दिल में भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी मुदाफियत की कुव्वत इतनी भारी होती है कि वो इसके ऊपर गालिब आ जाती है, वो इसको तकलीफ में नहीं जाने देती। और यही चीज जब आगे आती है, जिसे आप जन्नत की जिंदगी कहते हैं, वहां के मुतल्लिक भी उसने ये नहीं कहा कि वहां वो जाएंगे कि जिनके दूसरे पलड़े के अंदर, तकरीर के पलड़े के अंदर बिल्कुल कोई गुनाह वाली बात नहीं होगी, झुकता हुआ पलड़ा होना चाहिए। जब रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की ये कैफियत है कि पलड़ा झुकता है जब तक मुदाफियत का, उस वक्त तक हम जिंदा हैं, सेहत भी इसे ही कहते हैं जिसका पलड़ा झुक रहा होता है, तो इसी का नाम तो आगे बढ़ने की बात है। तसादुमात हयात के अंदर कायम वो रहता है, आगे वो बढ़ता है जिसमें कायम रहने की कुव्वत, आगे बढ़ने की सलाहियत का पलड़ा झुकता है। देखना यही चाहिए झुका हुआ पलड़ा कौन सा है। यहां कैफियत ये है कि आपकी जिंदगी कितनी ही पाकबाजी की क्यों ना गुजर रही हो, नमाज में खड़े होने से अगर टखने के ऊपर आपका पजामा आ गया तो गए जहन्नम के अंदर। एक तरफ ये कैफियत है और दूसरी तरफ मैंने अर्ज किया कि सारी उम्र आप गुनाहों और जराइम के अंदर बसर कर दें, एक वहां जाके हज कर आइए, वो कहते हैं ऐसे होके आ जाता है जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ है।
افراد اور تفریق دونوں طرف یہ کیفیت. مذہب میں ہوتا ہی یہ ہے. مذہب حقائق کو سامنے نہیں رکھتا, شاعری ہوتی ہے اس کے اندر. قرآن دین ہے, حقائق کو سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے انسان ہے, لفظوں کا امکان ہے اس سے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے. اور اسی اصول کو عزیزان ایمان اگر آپ اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیے تو آپ دیکھیے گا کتنی سست کی زندگی ہوتی ہے. گھر کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا نہایت عمدگی سے سب کچھ چل رہا ہے, کوئی ایک بات آپ کی طبع نازک سے ناگوار گزری, ایک طوفان مچا دیتے ہیں آپ گھر کے اندر. پہ دوستوں کے ساتھ یہ کیفیت کہ اچھے جوہر, اچھی خصوصیتیں ان کے اندر ہیں, نہایت عمدگی سے چل رہے ہیں, کوئی ایک بات آپ کی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی, یا دم آپ دوسری سمت میں چلے گئے. اس طرح آپ زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے. زندگی کے ہر پہلو میں دیکھیے کہ دوسرے کا پلڑا جھکتا کون سا ہے. جب تک اس کی خوبیوں کا پلڑا جھکتا چلا جاتا ہے, کوشش کیجئے کہ دوسرا پلڑا اس کا جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے. لیکن تعلقات کا معیار اسے نہ بنائیے. آپ فرشتوں سے تعلقات قائم نہیں کر رہے. اپنی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ سو قسم کے جرائم اپنے اندر ہوں, ایک خوبی جو ہے اس کو ہم اچھالتے پھرتے ہیں, لیکن مخالف کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی سو خوبیاں جو ہیں وہ اس کی ایک غلطی کے نیچے آ کے دب کے رہ جاتی. شکل و صفت موازنہ کا اگر اصول زندگی میں آپ رکھیں گے عزیزان ایمان, زندگی بڑی اطمینان سے گزرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تقریب کے پلڑے کو آپ بھاری کرتے چلے جائیں, وہ تو ایک دن جب ذرا جھک جائے گا تو اس کا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مقصد یہ ہے انسانوں کو انسان تصور کیجیے, معصوم فرشتے تصور نہ کیجیے. یہ چیز جو ہے جب میں جیسا میں نے عرض کیا تھا, یہ قرآن ہی کی آپ کو ملے گی کہ وہ صرف شکل موازنہ سے کہتا ہے جنت کے اندر چلے جاؤ. اور یہ وہ اصول ہے جو ہم نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے. 60% پاس مارک آپ کے یہاں ہوتے ہیں, 60 نمبر حاصل کرنے والا طالب علم اگلی جماعت میں جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے. 40 نمبر کی اس کی غلطیاں, یہ 60 نمبر کا جو وزن ہے اس کا وہ اس غلطیوں کو کینسل کر دیتا ہے. لیکن اگر 60% غلطیاں ہوں, 40% اس کا صحیح مارک, اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. یہ ہے اصول حیات. جیسا کہ میں نے عرض کیا, مذہب کی دنیا کے اندر تو فرشتوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے, دین کے اندر حقائق سامنے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے. کہہ رہا ہے کہ اس نظام کے بعد, اس تصادم کے بعد جو نظام قائم ہوگا, اس نظام میں کیفیت یہ ہوگی کہ جھکتے ہوئے پلڑے جو ہیں وہ خوشگواریوں کی زندگی بسر کریں گے. جن کے یہ تعمیری پلڑے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر گرفت ہوگی. غلط نظام میں اس سے الٹ ہوتا ہے. وہاں اور پلڑے دیکھے جاتے ہیں کہ کون سے جھک رہے ہیں. صحیح نظام کے اندر یہ دیکھا جائے گا. فقلت موازینہ کا ترجمہ فہو فی عیشت راضیہ. ہمارے جیسے کو کوئی کہتا کہ صاحب جس کا پلڑا جھکتا ہے اس کو کیا ملے گا, پتہ نہیں ہزار صفحے کی کتاب لکھ دیتے پھر بھی بات نہ بنتی. قرآن نے ایک ہی لفظ کہا ہے اس کے لیے. عیشتن کے معنی تو زندگی ہوتی. اگرچہ یہ عیش کا لفظ یہیں سے ہی ہے, اور آپ کو بتائیں اربوں کے ہیں عیش کسے کہتے ہیں,
रोटी को। बड़ी अयाशी ये है कि रोटी मिल जाए। ईशते राजिया, जिंदगी एक लफ्ज कह दिया राजिया। देखिएगा अजीजा नेमान और झूम जाइएगा, उनकी जिंदगी उनकी आरजुओं के मुताबिक हो। बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा चाहता क्या है इंसान। अब ये कहा जा सकता है कि साहब ये आरजुएं तो जो हम देखते हैं इस बादल निजाम के अंदर लोगों की इतनी वाहियात होती हैं, उनके मुताबिक जिंदगी होना तो जहन्नम की जिंदगी है, लेकिन वो बात मोमिन की कर रहा है, उनकी बात कर रहा है जिनके ये पगड़े झुक रहे हैं, उनकी आरजुएं भी ये नहीं होंगी। उनकी आरजुएं ही वो होंगी कि जो उनके इन पलड़ों को झुकाती हुई चली जाएंगी, लेकिन जिंदगी उनकी आरजुओं से हम आहंग हो जाएगी। जितनी शिकायतें हमें पैदा होती हैं जिंदगी के मुतल्लिक इतना ही है ना, वो जो तंग आके उसने कह दिया कि बेनियाजी से तेरी नाज उठाए क्या क्या, जो न चाहा वो हुआ और जो चाहा न हुआ, और मब्दा फैज से बस इतना गिला है मुझको, जो न मांगा वो मिला और जो मांगा न मिला। ये है तलख तरी जिंदगी। सही ये है कि ईशतन राजिया, जो चाहो हो जो मांगो मिले, लेकिन तुम्हारा चाहना याद है कितनी आयतें गुजर चुकी हुई हैं, समात शाहू ना इलाइए शाह, कि तुम वही चाहो जो हम चाहते हैं। मोमिन का चाहना कानून खुदाबंदी के मुताबिक होता है और उसकी जिंदगी उसके चाहने के मुताबिक हो जाती है। क्या अंदाज है बात कहने का। लेकिन आपको याद है एक जगह ये कहा हुआ है कि हमारे पास इससे भी ज्यादा है। यूं बात समझ में हमारे नहीं आती कि साहब जो कुछ मैं मांगू वो मुझे मिले, इससे ज्यादा और क्या। कुरान ने कहा था कि तुम्हारी मांग इस मुकाम के ऊपर, जिंदगी की इस सतह के ऊपर ऐसी है जैसे बच्चे की मांग हुआ करती है। कल को जब तुम वहां पहुंचोगे हमारे यहां जन्नत में, जवान हो जाओगे, उस वक्त तुम्हारी मांग आज से बढ़ जाएगी। तुम आज नहीं समझ सकते, हम समझ सकते हैं कि इससे भी ज्यादा जितना आज तुम चाहते हो। क्या बात है। इस देने वाले का क्या पूछता है कि तुम्हारी आज की मांग के मुताबिक हम देंगे, लेकिन हम इससे भी ज्यादा देंगे, इसलिए कि आज तुम्हें खुद पता नहीं है कि जवान होने के बाद तुम्हारी मांग क्या हो जानी है। फहुआ फीशत राजिया व अम्मा मन खफत मवाजीन हो फम्मुहू हाविया। यहां भी दो लफ्ज हैं, कहा यहां आगोश मादर, मां की आगोश में जिस कदर सामान परवरिश, असबाब राहत, तस्कीन, ये जो कुछ मिल सकता है उसका अंदाजा है, इंतहा होती है वो मां की गोद। लेकिन वो कहा है कि ये वो गोद होगी कि जिसमें समान नश्व नुमा और इर्तकार मिलने की बजाय वो पस्तियों और जिल्लतों के गड़े होंगे जिनके अंदर गिरे हुए। और इस लफ्ज के माने होते हैं अक्ल और फिक्र का इतना परेशान हो जाना कि कोई सूझबूझ में ना आए कि मैं क्या करूं। जिसका तकरीब का पलड़ा झुकेगा वो आगोश मादर की बजाय पस्तियों और जिल्लतों के उन गढ़ों में चाहेगा कि जहां उसकी अक्ल और फिक्र को कुछ सुझाई ना दे सके कि मैं क्या करूं। वमादरा का माहिया, ये क्या है जो हमने कहा है। हाविया जो है नारुन हामियतुन, ऐसी आग जो मताए हयात को झुलस कर रख दे। दो माने इसके वो लेते हैं अरब,
حامیہ شدت غضب کو بھی کہتے ہیں اور سختی سے کسی کو روک دینے کو بھی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جہنم کے لیے قرآن نے جہیم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ لفظ جہنم کے تو معنی ہے جہاں انسانیت قربان کر دی ہو. اس سے زیادہ جامع لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں انسانیت ذبح ہو رہی ہو. جہیم وہ ہوتا ہے جہاں کسی کی ترقی روک دی جائے, آگے بڑھ نہ سکے. اسی لیے اسے کہا کہ ارتقاء کی منازل میں جہاں کوئی شے رک جاتی ہے وہ اس کے لیے جہنم ہوتا ہے. کہا کہ جس کے یہ پلڑے جھک جائیں گے, تقریبی پلڑے جس کے جھکے ہوئے ہوں گے, اس کا ٹھکانہ ایسے ذلت آمیز کڑے ہوں گے جہاں اس کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے. وہاں وہ رک جائے گا اور اس لیے شرف انسانیت کے تمام اسباب, تمام ذرائع مسدود ہو جائیں گے اور وہ وہاں رک کے رہ جائے گا. سورہ القاریہ ختم ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التکاثر کیا صورت سامنے آ رہی ہے؟ کون سی اب نہیں سامنے ایسی آ رہی؟ الحاکم التکاثر حتی زرکم المقابر. کمیشن بٹھاتے ہیں ہم, کمیٹیاں بٹھاتے ہیں انکوائریاں کرنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود جسے دیکھیے کہ وہ مصیبت میں مبتلا الجھا ہوا ہے. کہ ٹھیک ہے, ناہموار معاشرے کے اندر ایک مصیبت تو ان کو آتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ مصیبت آسانی سے رفع ہو جاتی. ان کی ضروریات کے پیمانے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے. انہیں بنیادی ضروریات زندگی دے دیجیے, ان کی مصیبتیں ختم ہو جاتی. لیکن ایک ایسا گروہ اس میں ہوتا ہے کہ انہیں جوں جوں ملتا چلا جاتا ہے مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ اوپر کا گروہ آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن نے ربا والے کے متعلق, جس کا ترجمہ ہمارے ہاں سود یا بیاض لے لیا, ربا کے معنی ہوتا ہے سرمایہ کے اوپر, صرف سرمایہ کے اوپر بڑھوتی. محنت کا معاوضہ قرآن کی روح سے حلال و طیب. صرف کیپیٹل یا سرمایہ کے اوپر معاوضہ ربا. قرآن نے اس کی تشبیہ یہ دی ہے کہ بغیر محنت کے جس کو اس طرح سے آتا چلا جاتا ہے اس کے اضطراب کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو. اپنے معاشرے میں عزیزان من ذرا ان پہ نگاہ ڈالیے جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سمیٹ پہ چلے جا رہے ہیں. یہ عوام میں سے غریب آدمی کو جب پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے, بچوں کو ایک چھت مل جائے, کچھ کپڑا ہو, ایسے اتنی نام کی نیند سوتا ہے کہ پوچھئے نہیں. اور یہ جنہیں اتنا ملتا ہوا چلا جاتا ہے, نہ ان کے نصیب میں کبھی روٹی ہوتی ہے, نہ سونا ہوتا ہے, نہ آرام ہوتا ہے, ہر وقت یہ کیفیت گویا سانپ نے ڈس رکھا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ضروریات زندگی کی کمی نہیں ہے, یہ تکاثر ہے. یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ریس ہے جس نے تباہ کیا ہوا ہے. ضروریات کی کمی نہیں, دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا یہ جذبہ ایک حوث. اس نے کیا کیا ہے؟ لفظ استعمال ہوا ہے الحاق. لحب کہتے ہیں ایک شخص بڑے ضروری کام کے لیے چلا جا رہا ہو. بالغوں میں تو یہ کم ہوتا ہے,
बच्चों में आमतौर पर ये ज्यादा होता है, बड़े ही जरूरी काम के लिए आप भेज दें, रास्ते में बंदर का तमाशा हो रहा हो, वो वहीं खड़ा हो जाता है, वो भूल ही जाता है कटोरा हाथ में है, पैसा हाथ में है, जल्दी से कहा था कि दही ले आओ, वो भूल जाता है कि मैं गाय के लिए निकला, कहा के पीछे से एक पड़ती आ सकती। इसे कहते हैं अरबों के यहां लहव, हर वो जादूबीयत जो इंसान को उस मकसद से गाफिल कर दे जिसके लिए घर से निकला था। क्या जुबान है ये, सवाल ही नहीं कि आप इसको डिफाइन करते फिरे और इसकी तशरीहात करते फिरे कि क्या है, कुछ ही क्यों ना हो, हर वो जादूबीयत जो आपको मकसद हयात से दाखिल कर दे लहव के अंदर दाखिल है। अल्हाकुम तकासुर, तकासुर इंसान को मकसद जिंदगी से गाफिल कर देता है, उसका मकसद ही तकासुर रह जाता है, दूसरे से आगे बढ़ते चले जाना। ये आगे बढ़ने के लिए सूरह अल-हदीद में है 57:20, एलन वन्नम अल-हयात अद-दुनिया लाइब वलहम। ये देखिए लाहु का लफ्ज जहां आया है, वजीनत व तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवाल वल औलाद। इससे ये जो चीज है, दुनिया की जीनते हमने हराम नहीं की हैं, लेकिन कहा कि अगर ये चीजें जो हैं तुम्हारे लिए ये तकासुर का मूजब बन जाए, तफाखुर का मूजब बन जाए, यानी जरूरियात की चीजें होने की बजाय जज्बा ये हो जाए कि इसके पास दो मोटरें हैं, मेरे पास चार होनी चाहिए, बढ़ते चले जाओ बढ़ते चले जाओ। कहा है ये है वो चीज, इसके अंदर जब इंसान उलझ जाता है फिर असली मकासद हयात से वो गाफिल होकर रह जाता है, ओझल हो जाते हैं जिंदगी के सही मकासद, जब हवस ही ये हो कि मैं उससे आगे बढ़ता चला जाऊं। लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा तो इंसान की इंस्टिंक्ट में रखा है, इंसान ही की नहीं लाइफ की इंस्टिंक्ट में, जिंदगी की जो जबिल्लतें हैं तीन ही तो जज्बे उसमें होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, अपना तहफ्फुज़, दूसरा जज्बा होता है सेल्फ एग्रेशन जिसे कहते हैं साइकोलॉजी में, वो होता है दूसरे के ऊपर गालिब आ जाने का जज्बा, और तीसरा सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसा और पैदा करने का जज्बा। ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या इंस्टिंक्ट्स हैं जहां लाइफ के हैं। ये जो दूसरा जज्बा है सेल्फ एग्रेशन जिसे कहते हैं, यही तो है दूसरे के ऊपर गालिब आ जाने वाली बात, आगे बढ़ जाने वाली बात। तो ये चीज तो जिंदगी के अंदर मौजूद है और यही तो वो जज्बा है जो तकासुर पैदा करता है। तो क्या कुरान इसको फना करना चाहता है? किसी जज्बे को जो अंदर पैदा किया है खुदा ने, उसको अगर समझा जाए कि फना कर देने का कुरान की तालीम देता है, तो इसके माने हैं कि वो जज्बा शर था, ईवल था, और अगर वो शर और ईवल था तो खुदा ने पैदा क्यों किया था? खुदा तो ईवल नहीं पैदा करता। ये क्या चीज है? जज्बा मौजूद है, उस जज्बे की तस्कीन के लिए जो आपने मैदान तजवीज किया है ये गलत है, और इसे शर कहते हैं। फितरी जज्बे की तस्कीन के लिए गलत जराए इस्तेमाल करना, गलत मैदान तजवीज करना, ये है जिसे शर कहते हैं। ये जज्बा मौजूद है दूसरे से आगे बढ़ने का। कुरान क्या कहता है? कहता है फस्तबिकुल खैरात, आगे बढ़ना है तो नौ इंसानी के लिए भलाई के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करो।
ठीक है, ये जज्बा बुरा नहीं था। सूरह तफ्तीश में और अल्फाज में इसको बयान किया है कि कल्ला इन्ना किताब अल अबरार लफी उल्लीयीन, ये सब आ चुकी हुई हैं। 83/19 से शुरू होता है 26 तक, 83/19-26 उल्लीयीन, बुलंदियों में जाने वाले जो हैं वो कौन हैं। उसके बाद गिनाई है इनकी सारी चीजें कि उनको ये मिलेगा, उनको ये हासिल होगा, उनकी ये कैफियत होगी, और उसके बाद कहा है वफी जाने का फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, आगे बढ़ने का जज्बा पूरा करना चाहते हो तो इन चीजों के अंदर उसे पूरा करो। फिर देखो कि किस तरह से हर कदम जो तुम्हारा आगे बढ़ता है वो मार्गदीदगी की इस तरह पैदा नहीं करेगा, किस तरह से जन्नत के सुकून में इजाफा करता चला जाएगा। आओ तुम्हें हम बताएं कि इस जज्बे के पूरे करने का मैदान कौन सा है। नौ इंसानी की मनफत बस कामों के लिए एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करो, और फिर इसकी हद कोई नहीं। वहां कहा यह है कि ये वो जन्नत है जिसकी वसत अरबों समा में फैली हुई है। इस तकासुर की तो फिर भी कहीं जाके हद हो जाएगी, क्योंकि यहां कहा है हत्ता जुर तुमुल मखाव, एक दूसरे से बढ़ने का जज्बा जो है वो उस मैदान के अंदर, वो दौलत, वो असमत, वो रुपया, वो मोटने, वो जाओ मनसब, ये सारा कुछ इसमें बढ़ने का जज्बा ये है। ये तो ये कैफियत है जैसे इंसान अपने साय के पीछे चला जा रहा हो, जरा पकड़ के बताए ना, भागता चला जाए उसके पीछे, हांफ कर गिर जाएगा एक दिन। ये तो वो आपने देखा होगा, एक कार्टून बनाया करते हैं गधे के सिर के साथ एक लकड़ी बांधते हैं, लकड़ी के आगे एक गाजर लटका देते हैं, अब उस गाजर को खाने के लिए गधा आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है, गाजर आगे बढ़ती चली जाती है। चलाते हैं उसे इस तरह से, इस गाजर के लालच में जिसके हासिल करने के लिए वो उम्र भर चलता रहता है तो गाजर मुंह में नहीं आती। तकासुर तो ये होता है, कुरान कहता है हत्ता जुर तुम उल मकाबर, इस तरह से ये गधा उस गाजर के पीछे चलता चलता कब्र के गले में जा गिरता। जिंदगी में इसका इंतहाई मकामी कोई नहीं आता। हत्ता जुर तुमुल मकाम, कहता जो बात हमने कही है बड़ी साफ थी, यू जेनों में ना समझो, कल लाओ ये ना समझो कि ये बात कुछ समझ में नहीं आ सकती। सौफा तालामून सुम्मा कल्ला, सौफा तालामून, ये तीन चीजें तीन आयतों में आती हैं, बड़ी समझने की काबिल। वो कहता है बात ये इतनी साफ सी है कि थोड़ा सा भी जज्बात से अलग होके अगर तुम सिर्फ इल्म से काम लो तो बात समझ में आ जाएगी कि इस तकासुर की हद कोई नहीं है। मौत तक ये जज्बा जो है इसकी तस्कीन नहीं हो सकती। कहा इसके समझने के लिए किसी फलातून की अकल की फिर जरूरत है कि वो जज्बा जिसकी तस्कीन मौत से पहले हो ही नहीं सकती और मौत के बाद तुम्हें पता नहीं कि हुई है या नहीं, तो कहो तो सही इस गाजर के पीछे चले जाना गधा ही जा सकता है। फाफत आलामून के माने अगर तुम जज्बात से हटकर इल्मी तौर पर इस बात को समझना चाहो तो बड़ी जल्दी बात समझ में आ जाएगी, ये बात है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, कहता अच्छी बात, कल्ला लौता नमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, जरा और गहराई में डूब गए उसके। सती इल्म की बजाय
जरा और सोच को गहराई में ले जाओ, थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो इस जहन्नम की निशानियां तुम्हें खुद तैरती हुई नजर आ जाएगी। ये दूसरा दर्जा है। लेकिन कहा कि हमें मालूम है कि तकासुर के चर्स का नशा ये ऐसा है कि जरा सा भी तुम जब होश में आते हो तो उसके बाद दोबारा फिर इसी की तरफ लौट के जाते हो, इसलिए तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि ये कुछ करो। लिहाजा होगा ये ثم لترون عين اليقين, तुम इस जहन्नम के अंदर गिर जाओगे तो फिर आंखों से इसको देख लोगे, लेकिन फिर तो इससे निकलने की कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। कुरानी हकायक के समझने के तीन मनाजिल कितने अजीब। तो जरा इल्म की बारगाह से पूछो जाके, तुम्हें बात साफ तौर पर समझ में आ जाएगी। जब बात ज्यादा गाने आती है तो कुछ और गहराई में चले जाओ इसके। लेकिन अगर इससे भी तुम नहीं बात समझते तो फिर इसके बाद कोई तरीका नहीं सवाए इसके कि जहन्नम के अंदर गिर जाओ, तो वहां तो अपनी आंखों से तुम देख रहे होगे। ऐन यकीन, आंखों देखा यकीन आ जाएगा तुम्हें। पहला खाली तालमून है, इल्म है, दूसरा इल्म यकीन है, ऐसा इल्म जिससे यकीन हासिल हो जाए, और तीसरा दर्जा ऐन यकीन है, आंखों से देख के किसी चीज के ऊपर यकीन आना। लेकिन वहां से तो फिर बाजियाबी नहीं हो सकती। वहां क्या सूरत होगी? सुन्ना लतुस अनुन्न जाओ माए जिन अनिन नईम। देखिए अजीजा ने मान, जहन्नम जिसे आंखों से ये देख ले उसके मुतल्लिक कहा क्या गया है कि ये है क्या, वहां होगा क्या? कहा ये वो मकाम है कि जहां तुमसे ये पूछा जाएगा कि जरूरियात जिंदगी नहीं बल्कि ये आसाइशों के सामान जो तुमने इकट्ठे किए थे ये कहां से आया था, ये पूछा जाएगा तुम। नईम के मुतल्लिक कहा है, ये पूछा जाएगा कि कैसे हासिल किया था। अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसे पूछा था कि खिलाफत की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, उन्होंने कहा मैं तो इतना ही समझता हूं कि इस चीज की जिम्मेदारी या जवाबदेही कि कहां से आया और कैसे खर्च किया। क्या बात थी लोगों की। कुरान यूं ही समझाता है बात, बिरादरान अजीज, यूं ही वो बात किया करते हैं। ये जो पूछने की चीज है ये एक दफा पहले भी आ चुकी हुई है, क्यों ना दोहराता चला जाऊं। सूरह अल अंबिया में 21:11 वकाम का समना मिन करियतिन कानत जालिमतन व अंशअना बादहा कौमन आखरी। कितनी ही कौमें ऐसी थीं जिन्होंने फल्ब व नहब, एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म व इस्तिबदाद, ये निजाम इख्तियार किया तो वो तबाह हो गई और उनकी जगह दूसरी कौमों ने ले ली। बात यहां से शुरू हुई। कहा कैफियत ये थी कि जिस दिन इन्होंने इस सल्ब नहब एक्सप्लॉयटेशन और जुल्म इस्तेदाद की रविश इख्तियार की थी, इसके तबाह कुल नतायज तो उसी दिन से मुरतब होने शुरू हो गए थे, लेकिन वो महसूस शक्ल में इनके सामने अभी नहीं आए थे। इनसे कहा जाता था कि देखो इससे परहेज करो, इनसे बचो, ये तुम्हें तबाह कर देंगे। बात मानते नहीं थे, इनकी समझ में बात नहीं आ रही थी। और ये तो रोजमर्रा का हमारा तजुर्बा है, बद परहेजी करने वाले रोज उन्हें लोग टोकते हैं,
डॉक्टर में तो नब्बे कहते हैं, हर समझदार हमें बताता है कि ये न करो भाई, सेहत बिगड़ रही है, एक दिन बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी। तो कैसा है सर, मुझे तो कितने महीने हो गए ये कुछ खाते हुए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अयो मैं जी तुहा गाली कुछ नहीं, सुंदर ही कुछ नहीं आगा। और फिर एक दिन जब वो आधी रात के वक्त तड़पते उठता है और सुबह जाता है डॉक्टर के पास, तो कहता ये है कि जी रात को अच्छा भला सोया था, अचानक आधी रात के वक्त ये गुर्दे में दर्द उठा। अच्छा भला सोया था, अचानक उठा है, कभी अचानक नहीं दर्द उठा करते, ये सोने वाला अच्छा भला नहीं सोया था। वो जब उसको एक्सरे लेते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार साल भर से ये पथरी बन रही थी गुर्दे के अंदर, ये क्या चीज है, ये आधी रात के वक्त जब इसको एहसास हुआ ये क्या है, वो नतायज जो गैर महसूस शक्ल के अंदर मुरतब होते चले आ रहे थे अब महसूस शक्ल में सामने आ गए। देखिए कुरान की बलागत, तरादरान अजीज कहा ये जुल्म इस्तेदाद कर रहे थे, वार्निंग देने वाले हमारे मुस्लिहीन और अंबिया इकराम कह रहे थे कि तबाह हो जाओगे, बिल्कुल नहीं मानते थे। फलन्ना अहस्सु बासना, और जब ये दर्द एक दर्द महसूस बनकर उनके सामने आ गया, इदाहुम मिन हाजर कुरून, तो अब लगे भागने, दौड़ रहे हैं कि बच जाए किसी तरह। कोहे आतिशफशां का लावा फट गया, उसकी धार चली आ रही है। कहा जाता था कि यहां से बस्तियां उठा लो अपनी, एक दिन ये फट जाएगा, तबाह हो जाओगे, मानते ही नहीं थे। अब जो यूं आया है भाग रहे हैं। कुरान का अंदाजे बयान कितना ग्राफिक है बिरादरान अजीज, कहा वो भाग रहे हैं और हमारा कानून मकाफात अमल पीछे से आवाज दे रहा है, ना दर कदू मत भागो, तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते। रोक दिया उनको, खड़े हो गए, कहा खड़े होने की बात नहीं है, वर्जेऊ इला मा उत्रिफ तुम थी है व मसाओ के नुम, चलो वहीं वापस उन्हीं मोहल्लात के अंदर कि जिनकी रंगीनियां इन गरीबों के मेहनत के सरमाए की मेहनत के खून से पैदा हुई हुई थी, चलो वहां जाओ, लौटो वहां, क्या अंदाज है, चलो वहीं वापस, काहे के लिए वहां चलो, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे पूछा जाए कि ये कहां से आया था। لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, وہاں کہیں گے کہ ہاں ہم نے واقعی سلب و نحب کیا تھا, یہ ساری ایکسپلائٹیشن تھی جو ہم نے کہی۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اچھا صاحب اعتراض کیا تو ختم ہوا قصہ, لیکن اب تو پلڑا جھک گیا تھا۔ ہمارے ظالم تلک دعواہم, وہ یہ کہتے چلے گئے, کہتے چلے جا رہے ہیں, حتی جعلناہم حصیدا خامدین, وہ کہتے ہی رہے, ہمارے قانون مکافات عمل نے اس کے بعد ایک نہ سنی, جاؤ جا کے دیکھو ان کی بستیاں, نظر آئے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت ہوں, جیسے بجا ہوا شودا ہو۔ اجڑے ہوئے کھیت, بجا ہوا شولا, کیا تفصیل میں جاؤں ان چیزوں, یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ ہاں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہاں سے ان کو واپس بلایا جائے گا, چلو وہاں, ما اترک تم بھی, وہ جو دوسروں کی کمائی کے اوپر تم نے اپنے محلات بنائے تھے, کیا بات کہتے, تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اور یہاں اسی جہنم کے متعلق کہا, جس کو تم اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھو گے پھر تمہیں یقین آئے گا, کیا سننا لتس علنا یوم دن انل نعیم, تم سے پوچھا جائے گا
से ये रंगीनियां कहां से आई थी। सूरह तकासुर खत्म हुई। अल असर 103 कहा ये बात किसी एक कौम की नहीं, किसी एक बस्ती की नहीं, किसी एक दौर की नहीं। वल असर इन नल इंसान लकी खुश, इंसानियत की सारी तारीख इसकी शहादत देती है कि इंसान ने जब भी वही की रहनुमाई को छोड़ा हमेशा तबाही के अंदर गया। क्या बात है। आप देख रहे हैं पीछे से सारी तफसीलें चली आ रही हैं, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम मदीन, कौम लूत, कौम बनी इसराइल, फिरौन, ये तमाम दास्तानें भरी पड़ी हैं कुरान। 30 पारे तफसील पे तफसील दिए चला जा रहा है कुरान, और यहां आने के बाद वो सारी तफासिल सिमटाकर एक फिक्रे में रख दी कि वल असर, तारीख इंसानियत इस हकीकत के ऊपर शाहिद है। देखा आपने कि तफसील को कैसा इर्तकाज में लाया है कुरान, पूरी इंसानियत की तारीख इस हकीकत पर शाहिद है कि इंसान ने जब भी मुस्तकबिल अकदार समावी को छोड़ा है हमेशा तबाही में गया। ये काम था हमारे यहां के मुहक्किकीन पर रिसर्च करने वालों का कि वो तारीख को इस निगाह से पढ़ें और इस पर तहकीक करें। याद रखिए जब भी कुरान सिर्फ इंसान कहता है तो उसके माने होते हैं इंसान जो अपनी हैवानी जिंदगी के जज्बात के ऊपर चलता है। जब भी इंसान ने अपनी रहनुमाई अपने हैवानी जज्बात को बनाया लफी खुश तबाह हो गया। किसी एक जमाने की नहीं, किसी एक कौम की दास्तान नहीं। वल असर फिर वही बात आ गई इस कौम के अल्फाज भी, असर या आसार नचोड़ने को कहते हैं। नुचली हुई बात आप देख रहे हैं क्या कह रहा है। एक जमाने को एक दौर को ये कौम मुलादा फरमाइए, ये खजूरे खाने वाली कौम पता नहीं इनके जेन की बुलंदियां कहां पहुंची हुई थी। वो कहते थे हर दौर अपने माजी का निचोड़ होता है। अल्लाह, इसलिए वो एज या पीरियड या जिसे हिस्ट्री में कहते हैं आप, उसे वो असर कहते थे, निचोड़ पिछले अदवार का। और तारीख है ही वे ये बरादराने अजीज, जितने सारे पिछले अदवार होते हैं उनका एक्यूमुलेटिव एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है एक दौर, हमारा दौर जो होता है। और ये इसी तरह से ये निचोड़ ये खुशोदा आगे बढ़ता चला जाता है। ये कौन जमाने या एज के लिए, तारीखी जमाने के लिए याद रखिए ये लफ्जात है, ए पर्टिकुलर एज इन हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। माजी के तमाम तजुर्बात का निचोड़ होता है। कहता है पूरी इंसानियत के तजुर्बात का निचोड़ ये बात तुम्हें बताएगा, यूं कहिए इसके माने पट कटिया हैगा सारा जगत में कि इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान को जब भी तनहा छोड़ दिया जाए तो फिर द एनिमल इन मैन जो है वो गालिब होता है। ऐसा फिर सोचो कि उसका अंजाम क्या होता है, तबाही। बचते कौन है, इल्ल लजीना आमन, इसमें इस्तिस्ना और एक्सेप्शन जो है तुम हिस्ट्री में पाओगे सिर्फ उन लोगों की कि जो मुस्तकिल अकदार इंसानियत की सदाकत पर जिन्होंने यकीन रखा,
लेकिन सिर्फ यकीन रखना ही तो काफी नहीं होता। यकीन तो अमल के लिए बुनियाद होती है। आप किसी ऐसे मकान में नहीं रह सकते जिसकी सिर्फ बुनियादें भरी हुई हैं, और आप मकान बना भी नहीं सकते ताबक्त की बुनियाद ना हो। ईमान और अमाल सालिया का ताल्लुक ये है बिरादरान। और बात बड़ी साफ सी है, कहा करते हैं कि साहब ईमान की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं सुबह को अगर आप बीमार हो जाएं और आपको कहा जाए डॉक्टर की तरफ जाने के लिए, आप हमेशा उस डॉक्टर की तरफ जाते हैं जिसके अच्छे डॉक्टर होने पर आपको यकीन होता है। आप नुस्खा वो इस्तेमाल करते हैं जिसके मुतल्लिक आपको इत्मीनान होता है कि ये अच्छा है। साइंटिस्ट उस फार्मूले को लेता है जिसके मुतल्लिक उसे यकीन होता है कि ये नतीजा पैदा कर देगा। ये जो फार्मूले या कानून की सदाकत के मुतल्लिक दिल में एक इत्मीनान होता है, ये होता है जिसे ईमान कहते हैं। इससे प्रोसीड करता है इंसान फर्दर। अगर पहले ये मालूम हो कि ये फार्मूला सही नहीं है, कोई बाहोश इंसान उसके ऊपर आगे चलता ही नहीं। ईमान का इतना काम है। इसीलिए कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और फिर वो ऐसे काम करते हैं। ये बड़ी जामे टर्म है कुरान की, अमल सालिहा। इंसान की अपनी सलाहियतें नशो नवा पाती हैं, कायनात की सलाहियतें इर्तका याफ्ता होती हैं, माशरे के अंदर इससे इस्लाह के पहलू निकलते हैं। इस्लाह हमवारियों को कहते हैं फसाद के मुकाबले में। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, फर्द के लिए, माशरे के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए। ऐसे काम जो हर गोशे के अंदर इस तरह से सलाहियतों के नशोनुमा करते हुए चले जाए, वो इस यकीन कामिल के बाद इस किस्म के काम करते हैं। और उसके बाद एक और शर्त बताई, ये अमल सालिया का तसव्वुर मजहब की दुनिया के अंदर इंफरादी होता है। नेक काम एक फर्द अपने तौर पे करता है, लेकिन ये जिन इंसानों के मुतल्लिक कहा है कि ये तबाह नहीं हुए, ये तबाह नहीं होंगे, उनके मुतल्लिक कहा है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी नहीं है, इनफरादियत की जिंदगी नहीं है, उनकी जिंदगी इज्तमाइयत की जिंदगी होती है। व तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र। तवासो के माने होते हैं एक दूसरे को कुछ कहना। मैं भी अर्ज करता हूं इसके माने जो है, यानी ये तो ग्रामर के एतबार से ये लफ्ज हुआ, एक दूसरे से ये चीज करना। तवासो के आम माने तो होते हैं तलकीन करना, ताकीद करना, किसी से कुछ कहना। पहले तो यही माने लीजिए, एक इज्तमाई निजाम होता है, उसमें वो एक दूसरे से कहते ये हैं। ये हक का लफ्ज जो है ये ट्रुथ के लिए भी आता है, अंग्रेजी जुबान में भी रॉन्ग के मुकाबले में भी राइट आता है। और जिसे आप इस्तेहकाक कहते हैं एज ऑफ राइट, आप देखते हैं उसके लिए भी ये लफ्ज आता है। बयानी निमानों में भी आता है, अरबी जुबान में भी। राइट तो वो हक वो जो बादल के मुकाबले में ठीक हो, और राइट वो जो किसी का हक हो। जो ही किसी का आपने हक दिया वही हक है, जो ही हक दबाया वो ना हक है। वो तो एक लफ्ज के अंदर बंदमानी है। तवासो बिल हक, वो एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा फरीजा क्या है। एक लफ्ज में दोनों बातें आ जाती हैं। ये जो माशरा कायम होता है बरादरान अजीज, ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों का नाम होता है, हकूक और जिम्मेदारियां।
معاشرے میں ہر فرد پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ انہیں پورا کرتے ہیں تو اس کے کچھ حقوق اس سے متعین ہوتے ہیں، معاشرہ ان حقوق کو دیتا ہے. فرد اگر ذمہ داریاں نہیں اپنی پوری کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں معاشرے سے کچھ لینے کا. معاشرہ اگر اس کا حق نہیں دیتا، اسے کوئی حق نہیں ہے اس پہ ذمہ داری عائد کرنے کا. Obligations and rights go hand in hand. معاشرہ بنتا اس طرح سے ہے. مزدور جو آتا ہے آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے، وہ صبح آتے ہی آپ سے اجرت نہیں مانگ لیتا، اس لیے کہ اس نے ابھی ذمہ داری پوری نہیں کی. وہ دن بھر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو شام کو اس کا حق ہو جاتا ہے، خیرات نہیں مانگ رہا، حق ہو جاتا ہے. اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو آپ نے حق نہیں دیا. اگر وہ کام دن بھر نہیں کرتا ہے، اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. رائٹس اینڈ ابلیگیشن، کیا بات قرآن کی ہے عزیزان ایمان. میں کیا عرض کروں، تو ایک عمر چاہیے ان چیزوں کے لیے. نصاب کے طور پہ ایک ایک لفظ قرآن کا نصاب کے طور پہ ایک کلاس کا درس بنتا ہے. یہ حق کے اوپر اگر میں چاہوں مہینے لگ جائیں قرآن کریم کے شروع سے میں بتاؤں کہ حق کیا ہوتا ہے. یہ تمدنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں کہ تمہارے ذمے حق کیا ہے، پھر وہ حق جو تم اترو کرو گے اس طرح سے جو تمہارا حق ہوگا وہ کیا ہے، اور بالحق کیا ہے، باطل کسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں. اور یہ بات نہیں کہ کسی ایک دن یہ بات ہوئی تماشا ختم ہو گیا. آواز پاؤ بس صبر، اور اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ بات جب تم نے یہ سمجھ لی ہے تو اب استقامن التزامن دوامن استمرارن مستقلن اس روش کے اوپر قائم رہنا ہوگا. یاد رکھو، یہ وہ ہیں جن کی ایکسیپشن قرآن نے بتائی، یہ ہیں وہ لوگ کے جو تباہی سے بچتے ہیں. ورنہ ان الانسان لفی خسر، حقیقت یہ ہے ان الانسان، پوری جامعیت اس کے اندر آ گئی ہے. انسان الا آگے ہی چھوڑ دیا جائے اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، تباہی ہوتی ہے اس کے لیے. صرف انسانیت کی تاریخ میں وہ چند لمحے میں کہوں گا چمکتے ہوئے جن میں کبھی ایسا ہوا، ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ جو فرد ایمان پر، اعمال صلاحیت بخش، ہر فرد دوسرے فرد کو اس کی ابلیگیشن اور حقوق کی یاد دہانی کرے اور اس پہ قائم رہنے کی تائید کرتا چلا جائے. اب لیجئے اعجاز قرآن کے لفظ کے انتخاب کا، تاکید، تلقین، امر، اس کے لیے سینکڑوں لفظ تھے اس کے ہاں. تواصل کا لفظ اس نے لیا، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح باتیں جو ہیں وہ اس انداز سے کہنا کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ. اس یہ جو جماعت بنتی ہے جس میں تواصل ہوگا ایک دوسرے سے یہ کہیں گے، اس جماعت کی وجہ جامعیت سیمنٹنگ فورس ان کی ایک ہونے کی، مل امت بننے کی، ان کی سیمنٹنگ فورس، ان کے ہاں کی کامن فیکٹر جس نے ان کو افراد سے جماعت بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اقدار پہ، اعمال صالح ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں، استقامت اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں. اس سے امت محمدیہ یا ملت اسلامیہ بنتی ہے. تواصل چیزوں من، میں نے گزارش جو کیا ہے قرآن کے الفاظ جو ہیں پوچھئے نہیں کہ یہ کیا ہے. سوچنے کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے اتنے لفظ چھوڑ کے یہی لفظ کیوں استعمال کیا ہے. یوں معاشرہ قائم ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہوتی تو بھیڑ تو ہوتی ہے، وہ قوم نہیں ہوتی، امت نہیں بنتی، ملت نہیں ہوتی. ہرڈ انسٹنکٹ کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ میں اکٹھے بھی رہیں، حیوان بھی رہتے ہیں اس طرح سے، امت نہیں بنتے.
और अब ये नजर आ गया जो रोज हमारे यहां ये किस्सा चला करता है कि साहब इस नाम में बुनियाद कौमियत क्या है, वजह जामियत क्या है, नेशन कैसे इसके अंदर बनती है। और ले आए वो कि साहब एक जुग्राफियाई हदूद के अंदर बसने वाले गधा घोड़ा सब बराबर, वो एक कौम बन जाती है। वो तो वीजा ने मन मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले की जेब से भी एक कौम नहीं बनाता, वो तो बनाता है इस जेब से, ईमान अमाल सालेहा तवासो बिल हक तवासो बिल सबर, तवासो के अंदर है कि वो यूं एक दूसरे से मिलते हैं। सूराए अल्लाह से खत्म हुई बरादरानी, सूराए अलहमद अल्लाह कहा था कि इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान को आला हाल ही छोड़ दिया जाए तबाही तबाही होती। वैलुन लिकुल्ले होमा जाते लोमा जाते लिल्लज़ी जमा मालम व हद्दादा। कहा आओ जरा तशरीह करके तुम्हें बताऊं कि तबाह कौन होते। वहां तो कहा था ना कि तारीखी इंसानियत का निचोड़ ये है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज बताई थी, अब उसकी एक कंक्रीट चीजें सामने लाता है कुरान। कौन तबाह होता है, बर्बाद कौन होता है, तकासुर में बताया था कि यूं ही एक दूसरे से बढ़ जाने का जज्बा, आप देखते हैं कुरान के अंदर अब कितना चला आ रहा है। तकासुर था, फिर बताया है कि तबाही यूं आती है। कहा आओ तुम्हें अब बताएं कैसे आती है, किसके लिए, वैल तबाही है किसके लिए, अल्लज़ी दरमियान की बात फिर करूंगा, जमा मालम व हद्दादा, जो दौलत को समेटता रहता है जमा करता रहता है, कुरान है। यानी कहना पैदा ही पता नहीं है ना, पता लग गया वो हद्दादा फिर 99 के फेर में पड़ जाता है, गिनता है गिनता रहता है गिनता रहता है। वाह, सारी तबाहियों का मूजिब सरप्लस मनी, फाजला दौलत, गिनता उसी को ही है। जरूरत की चीजें तो आप बार्टर सिस्टम में जब लेते थे सवाल ही नहीं पैदा होता था, जरूरियात यूं पूरी होती हैं, गिनता उसको है जो बाकी बचता है फिर उसको गिनता है कितने की अभी कमी है। जमा मालम व अद्दा, कहते ये एक मैकेनिकल एक्शन नहीं होता, यूं ही बच्चों की तरह कुछ ठीक लिया इकट्ठी करता है खेल लिया फिर छोड़ के चले आए, बच्चे को उसके बाद उसका ख्याल भी नहीं रहता, वो खेल होती है। कहता ये बात नहीं, इससे एक ज़हनियत पैदा होती है। अज़ीज़ान मन, उस ज़हनियत को दो लफ्जों के अंदर कुरान ने बयान किया है, मैं क्या अर्ज करूं, जब इनके अंदर मैं जाता हूं जो जो गौर करता हूं वज्द मुसर्रत से झूम जाता हूं। ले कुल्ले होमादा से लोमादा, ले कुल्ले ذہنیت इनके इसके बाद ये पैदा होती है, सुनिए ये क्या होता है हमारा तन। ये जिनके पास इतनी दौलत जमा हो जाती है, आपने कभी देखा उनकी ذہنیت ही, उनको किसी दूसरे के अंदर कोई खूबी नजर ही नहीं आती। एक रूम होती कहीं कोई खैर नजर नहीं, वो इंसान ही नहीं समझते और किसी, हम वो के जिसे अपने सदा किसी में कहीं कोई खूबी नजर ना आए, सत्यानाश तुम्हारा। ये इतनी बड़ी इंसानियत, ये तमाम मखलूक, हर बच्चा जो तुम्हारी तरह पैदा हुआ, अब उनमें तुम्हें कहीं कोई खूबी नजर नहीं आती।
वो फिर किसी को इंसान ही नहीं समझ। कभी किसी ऐसे के पास बैठ के बातें सुनिए, फिर वो नफरत, हकारत, जिल्लत, तहकीर, मुनासरत दूसरों के मुतल्लिक कोई खूबी नहीं। और सिर से पांव तक खुद सारे अयूब जमायम का मुजस्मा होते हैं, लेकिन इन्हें बाहर किसी ने कोई खूबी नहीं नजर। इसके बाद अगली ज़हनियत, लफ्ज़ जामे हैं कुरान के, इस जुबान के इतनी सी बात नहीं, नजर नहीं आती, हम माल ऐब जो ही करता है किस तरह से कुचुक के दे देते, हुजा मार मार। क्या बात, अपनी जात तक ही नहीं वो जज्बा रखता है कि किसी में कोई खूबी नहीं है, तस्कीन नहीं होती अपनी अंदर के लिए, वो तो सांप ने डसा हुआ होता है, तस्कीन किस चीज से हो। फिर ये आवश होती है दूसरे के, यही नहीं कि दूसरे की बुराइयां या उसके उसके उसमें कोई खूबी नजर नहीं आती, फिर वो दूसरे को कुचोके मारता है, तंग करता है, तंजन तशनीयन बराबर के है, अगर वैसे भी तकलीफ पहुंचा सकता तो जुबानी तकलीफ पहुंचाता है। उनकी मासूमों के अंदर बैठ के देख, उनमें से हर शख्स जितने तो उनसे नीचे के हैं, वो तो इंसानियत की सांस में नहीं होते, बात ही खत्म हो गई। जो बराबर के हैं उनके यहां बैठ के देखिए, हर एक एक दूसरे को इस तरह से कुचों के मारता चला जाएगा, सारा वक्त उनकी मजलिसों में यही गुफ्तगू होगी, एक दूसरे को कुचों के मार रहे हैं। फिर इसके माने होते हैं किसी जमात के अंदर तफरीक पैदा करने की गरज से इस तरह से कुचोका मार दे, जो ही ये देखें कि कहीं किसी किस्म का कोई इज्तिमा हो रहा है, कोई यूनियन बन रही है, कहीं यूनाइटेड कुछ हो रहे हैं, हर वो तरकीब इस्तेमाल कर लेगी कि जिससे उनमें तफरका पैदा हो जाए। देखिएगा वो जो माल जमा करके अददा की कैफियत है उसके बयान किया जा रहा है, एक लफ्ज है कि ये कुछ करता चला जाता है, आगे अभी बात नहीं आई। लोमा जाते हैं तो कहता ये है, सुनिए बिरादरान अजीज, ये नमज होती है आंखों से या चेकर आंख मारने। वो कहता है कैफियत फिर ये है कि बुजदिल इतना है कि खुद के बाहर आके खुद नहीं करता, दूसरों को आंखों के इशारों से उकसा के दूसरे के खिलाफ करता है। फालफुत करनी है तो सामने आओ, तो कभी सामने नहीं आएगा। ये मैंने कहा ना लमजतन का, बस मैं लफ्जों में क्या बताऊं, ये समझने की बात होती है। हम कर देना राजा क्या बात है, ये ज़हनियत हो जाती है जहन्नम की आग, चलता है उसमें नफरत, हकारत, तान तशनी, कचोक के तंज, तफर के डालने की सारी स्कीमें, लेकिन बुजदिली की कैफियत ये कि बाहर निकल के कुछ नहीं करता, कभी इसको यूं करता है, कभी उसको यूं करता है, कभी इसके लिए ये होता है नमाज़ का। वैलुन लिकुल हमज़ातिन लोमज़ातिन अल्लज़ी जमा मालहु फअद्दा, ये है जिनके लिए तबाही फिराती है, ज़हनियत ये हो जाती है यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, वो जहन में ये समझे हुए है कि अब मेरे लिए कुछ जरूरत नहीं है कि कोई खूबी कोई सलाहियत किसी किस्म की मेरे अंदर पैदा हो, ये मेरी दौलत हमेशा तक के लिए मुझे इन तमाम मुखालफतों से बचाएगी। वाहिद सहारा उसको ये समझे हुए होता है, और इतना मोहतम सहारा समझे हुए होता है
قرآن نے کہا تھا نا راہ استغنا، تو کہتے ہیں مجھے پرواہ ہے کسی کی نہیں، یا سب انا مالا ہوں اخلادا سمجھتا یہ ہے کہ یہ دولت ہمیشہ کے لیے مجھے ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی اور خوبی اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. برادران عزیز، غلط معاشرے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے، غلط معاشرے میں پھر واقع کسی اور خوبی اور صلاحیت کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف دولت وجہ امتیاز رہ جاتی. کہتا ہے وہ سمجھتا یہ ہے، لیکن کہا کہ اس کو ذرا بتا دو کہ کل لو اب ایسا نہیں ہو سکے، اب ایک دور انقلاب آتا ہے، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَاتِ، تمہارا یہ مال حُطَمَا مِن، لفظ میں وہی ابھی استعمال کرتا ہوں، پہلا لفظ ہے لَيُنْبَذَنَّ، عام ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیوں استعمال کیا ہے. بیسیوں سے سنیے عزیزان من، کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہے قرآن. کہتا ہے وہ انقلاب ایک آنے والا ہے جس میں پھر کیفیت یہ ہوگی کہ اس مال کو راتوں کی تاریکیوں میں یوں باہر پھینکتے پھرو گے جس طرح حرامی بچے کو ماں پھینکتی ہے. پھینکنے کی بات تھی، لفظ کا انتخاب ہے. سوچتے ہیں برادران عزیز کیا کچھ اس کے اندر قیامت نہیں ڈھا گیا قرآن. اس سے زیادہ تشریح میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. ابھی کہا تھا کہ یہ مال جس کے متعلق یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اس کے ہونے، اس کی موجودگی میں مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے اندر کوئی اور خوبی اور خیر پیدا کرنے کی، یہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے مداخلت کا کام دے گا. ایک چکر آتا ہے اس انقلاب کا، تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے اس مال کی کہ اس کو اس طرح سے تاریکیوں کے اندر خاموشیوں سے کسی کو علم نہ ہونے پائے پتہ لگے، یعنی اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ایسی نکارا یا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو پھینکے کوئی. یہ کیفیت عثمان کی ہوگی. وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کے معنی ہوتا ہے کچل دینے والی چیز، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینے والی چیز. کہتا تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے حطمہ؟ تین آیتیں عزیزان من جن کے اوپر ایک تیسس لکھا جا سکتا ہے. نظام سرمایہ داری کا مال، وہ دولت کے جس کے متعلق یہ ذہن میں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اب مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پہلی تو چیز یہ، اور تمہیں بتائیں یہ جہنم جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ کچل دینے والی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کیا ہے. خدا کے قانون مکافات کی جلائی ہوئی وہ آگ جو انسانوں کے دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے. تلے ہو چڑھ جایا کرتی ہے وہ، آفیدہ قلوب نہیں تھا. قرآن ہے صاحب، ترجمہ تو دونوں کا ہی دل ہوا کرتا ہے. قلب وہ مائنڈ ہوتا ہے جس میں جو سمجھنے کی صلاحیت کچھ رکھتا ہے، سمجھے یا نہ سمجھے، صلاحیت کو کام میں نہ لائے اور بات ہے. مائنڈ کا وہ فیز جس میں کچھ سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے. فواد مائنڈ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق ایموشن سے صرف ہوتا ہے. اس کے معنی فوج و گداز کے ہوتے ہیں.
یہ ساری چیز جو ہو رہی تھی یہ ساری ایموشن کے اوپر مبنی تھی. یہ جمع کرنا, یہ اس کا گننا, یہ نفرت, یہ حقارت, یہ حسد, یہ دوسروں کو کچو کے دینا, اس میں تو قلب کا تعلق کچھ نہیں تھا. سہم کا, ادراک کا, سوچ کا, سمجھ کا, ریزن کا کوئی واسطہ نہیں تھا. یہ خالص چیز آ رہی تھی, خالص ایموشنز کے اوپر آ رہی تھی, فواد کی چیز تھی. قرآن یہ لایا ہے تب تلے ہو الفیدا, یہ جو سرچشمہ ہے جذبات کا, خدا کی جلائی ہوئی آگ جو اس سرچشمہ جذبات انسانی تب تلے ہو اس کے اوپر چڑھ جایا کرتی ہے, بلند ہو جانے کے معنی اس میں ہوتے ہیں. برادران عزیز, اور زندن یاد آ گیا, کئی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں صاحب طلوع اسلام, صاحب اسلام تو طلوع ہو گیا تھا کہ 1400 سال ہوئے, اب یہ طلوع اسلام. اب انہیں پتہ نہیں ہے یہ عربی کے لفظ ہے, پنجابی ترجمہ کر دینے والا. ہمارے ہاں طلوع کہتے ہی اس وقت میں جب سورج چڑھتا ہے. عربی زبان میں طلوع ہوتا ہے کسی چیز کا سرفرازیاں اور سربلندیاں حاصل کر کے اور نمودار ہوتے چلے جانا. تب پہلے آدھا لفید چڑھ جاتی ہے دلوں کے اوپر. کہاں ہے یہ آگ, کہاں رکھی ہے یہ, اسی وقت اس کو جلایا جائے گا ماچس سے, یہ اب بھی موجود ہے. قرآن نے تو 20 مقامات میں یہ کہا ہے کہ تمہاری ہی آنکھیں آج بند ہیں, جہنم تو تمہیں آج بھی دیکھ رہی ہے. وما ہم انہا بغائبین, تم ہی نہیں دیکھ پاتے, وہ تو آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے. لیکن یہاں دیکھیے نار جو کا آگ, کہاں ہے وہ آگ, انہا علیہم موصدتن کی عمد ممددہ. کہتا یہ وہ آگ, تم پوچھو گے کہ کہاں ہے جہاں سے یہ یوں کھول دی جائے گی تو پھر یہ دنوں کو لپیٹ لے گی. کہا کہ یہ انہی بلند ستونوں کے اندر بند ہوئی ہوئی ہے, جن کو یہ زندگی کے سہارے سمجھے گا یہ ٹوٹ جائے گی اور لاوا بہ نکلے گا. امد ممددہ, وہ ستون بڑے لمبے لمبے جس کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے سہارے کے اوپر یہ میرا کثرے مشید جو ہے یہ ٹکا ہوا ہے, انہی ستونوں کے اندر تو وہ بند ہے اور کہاں سے آئے گی. وہ ہوگا یہ کہ ہوتما, یہ ستون ٹوٹ جائیں گے اس دن, اندر پگھلا ہوا لاوا ان کے اندر جمع ہوا ہوا ہے, بہ نکلے گا. بھائی اتنی سی بات ہے, نہ باہر سے آگ آئے گی نہ کوئی جلانے والا آئے گا. انہا علیہم موصدتن فی عمد ممددہ, بند کی ہوئی ہے انہوں نے خود. یہ بڑے بڑے ستون جو کھڑے ہیں, وہ تھا نا مالہ اخلدہ, سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مال جو ہے میرا محفوظ رکھنے والا ہے. بڑے بڑے ستون اس نے سمجھ رکھا تھا اس کو, یہی اس کی زندگی کے سہارے, یہی اس کے ستون. کہا وہ آگ ان کے اندر بند ہے, موصدت ان ستونوں کے اندر بند ہے. ہوگا یہ کہ حتمہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی, جو ایک انقلاب آئے گا بس وہ ان ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, ان کے اندر وہ پگھلا ہوا لاوا جو ہے یہی بہ نکلے گا, اسی سے یہ تباہی آئے گی. ویل, تباہی ہے ان کے لیے. یہ ہے وہ چیز جو کہا ساری تاریخ انسانیت اس پہ شاہد ہے کہ ان الانسان لفی خسر, انسان میں جب یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تباہیاں اور بربادیاں اس انسان کے لیے آ جاتی ہیں. سورہ الحمزہ 104 سورت برادران عزیز ختم ہوئی, آئندہ ہم سورہ الفیل 105 لیں گے. ربنا تقبل منا سننا کا انت السمیع العلیم.